गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में ना हमने 18 तक किए थे। हमारा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक चल रहा है और वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन 19 से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 1920। तो 1920 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमें ये कंप्यूट करना है। ए क्लब हैज 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। बच्चों इनके यहाँ 250 मेंबर हैं, हर एक मेंबर को 1000 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन देना होता है। तो मेरे से कोई पूछे कि ईयर का फिर कितना बनता है, मैं कहूंगा इस अकॉर्डिंग 250 ईयरली मिलना चाहिए। द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शुड ए सम 2,65,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। इनको मिला है 2,65,000, उसके बावजूद पूछ रहे हैं आउटस्टैंडिंग कितना है, क्योंकि वो 265 से रिलेटेड डिटेल दे रहा है। हमें कह रहा है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 40,000। तो ये हम मानते हैं कि ये हमें रिसीव्ड हो गया है, तो हम इसको लेस कर देते हैं क्योंकि ये इनकम तो पिछले साल की थी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2020, जो इस साल हमें आगे के लिए एडवांस मिलता है बच्चों, तो वो फ्यूचर ईयर की इनकम है, इसमें इंक्लूड है, तो उसको भी लेस करेंगे। पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2019, जो पिछले साल एडवांस मिला था इस ईयर के लिए, तो वो इस ईयर की इनकम है, ऊपर इंक्लूड नहीं है, उसको ऐड कर देंगे। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद देखेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन हमारा आ चुका है, और 250 में से डिफरेंस कर देंगे तो बाकी अभी हमारा रहता है। बच्चों हम इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, इवन मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के करता हूँ, क्योंकि अगर कभी भी आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस पूछे ना, तो वहां सब्सक्रिप्शन अकाउंट ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया। आपने ध्यान रखना है बच्चों कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का डेबिट में लिखते हैं और क्लोजिंग का क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि आपने वो पैसे लेने हैं, डेटर की तरह ट्रीट करो आप उनको। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग अभी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना है, तो वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोजिंग। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ओपनिंग एडवांस यहां लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होता है, और क्लोजिंग एडवांस यहां लिखते हैं। जो बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन इस बार रिसीव्ड हुआ है उसको यहां लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन ये हम अपनी कन्वीनियंट के लिए लिख रहे हैं। और यहां पर अभी तक तो ये बैलेंस निकलता था कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अब तो पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में आना चाहिए। 250 मेंबर हैं, हर एक मेंबर के 1000 रुपीज हैं, तो 2,50,000। तो ऑटोमेटिकली जो आपका मिसिंग है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का, वो बच्चों कंप्यूट हो जाएगा। हमें सिर्फ फिगर पुट करने हैं। आपको कितना रिसीव्ड हुआ है, हम कहेंगे 2,65,000। शुरू का आउटस्टैंडिंग कितना था बच्चों, 40,000। शुरू का रिसीव्ड इन एडवांस कितना है हमारा, 12,000। एंड का कितना है बच्चों, 30,000। बस अब आप टोटल करो, हमने इधर का टोटल किया, ये 320 बन रहा है बच्चों। 320 में से हमने 277 लेस कर दिए, तो हमारा बैलेंस आ गया 43,000। तो ये 43,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया बच्चों। ये आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों। हमारे से कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 1920। हमारे को बच्चों इन्होंने बताया 200 मेंबर हैं, हर एक मेंबर ने 1000 रुपीज देने। हमें बच्चों ये पता है कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में 2,00,000 आने चाहिए, क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग।
रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहता है 2,05,000 रिसीव्ड हुए हैं, लेकिन शुरू के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 40। रिसीव्ड इन एडवांस एंड में कितने हैं? 30। रिसीव्ड इन एडवांस शुरू में कितने थे? 12,000। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ही ज्यादा आसान रहेगा, तो हमने बना दिया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखते हैं? डेबिट में, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये बच्चों ओपनिंग, और यहां हमने क्लोजिंग लिख दिए। ये हमें कंप्यूट करना है। इसके बाद यहां पर ओपनिंग जो एडवांस है और क्लोजिंग का यहां लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर बाय बैंक अकाउंट एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होना है। आप बता रहे हैं कि हमारे 200 मेंबर हैं और हर एक मेंबर से 1,000 रुपए मिलने होते हैं, तो 2,00,000 रुपए इस बार की इनकम हो गई। आपको रिसीव्ड हुए हैं 2,05,000। आप बता रहे हो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थे 40,000, क्लोजिंग एडवांस है 30,000, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है बच्चों 12,000। बस ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। हमने बच्चों टोटल किया, आप इसके साथ लिख भी सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, तो 2,70,000, और ये बच्चों 2,17,000 है। इसमें से लेस कर रहा हूँ 53,000, ये आ गया बच्चों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसे नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन 21। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बच्चों आपको शुरू का आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है, एंड का आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, इंक्लूडिंग 4,000 ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2000। शुरू का आउटस्टैंडिंग था तो 5, लेकिन अभी उसमें से मिला कितना है? 4,000, क्योंकि वो आपके लिए यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, नहीं तो बिल्कुल आसान है। हमें पता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस ऐड करना है और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस लेस करना है। अब हमारे लिए फिगर रेलेवेंट हो जाएंगे। तो हमने बच्चों यहाँ पर ना बैलेंस शीट इसने पूछी नहीं है, लेकिन हम बना आते हैं। यहाँ हमने बच्चों पहले बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019। इसी के साथ बच्चों मैं पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा। इन्होंने शुरू के आउटस्टैंडिंग कितने बताए हैं बच्चों? हम कहेंगे शुरू के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, बाद में नीचे का आए ना उसमें से 4 मिले हैं, थे तो आउटस्टैंडिंग 5,000, और शुरू के बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस कितने हैं? 3,000 फर्स्ट अप्रैल को जो दे रखे हैं, क्लोजिंग 31 मार्च को। तो हम यहां लिखेंगे बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग के हमारे पास फिगर है एज एट 31 मार्च 2020। आप देखो बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका पुराना कितना है बच्चों? हमारा जो करंट ईयर है वो 1920 है, तो 1819 का। आप कहोगे सर 5 था 4 मिल गया था, तो कितना रहता है? 1,000। पर आपको एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बता रखा है? ये रहा बच्चों, टोटल आउटस्टैंडिंग बता रखा है 3,900। 31 मार्च को बताएगा ना, तो 31 मार्च का मतलब जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है वो आपका टोटल होता है। अगर ये 3,900 है, उसमें से 1,000 पुराना है, तो खाली इस बार का आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,900। और बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 4,500। अब हम इजली कर सकते हैं। हमने बच्चों सबसे पहले यहां बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
बैलेंस शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, कंफ्यूजन ना हो, बाद में हमें नीड नहीं होगी बनाने के लिए, नहीं कहा तो हम क्यों बनाएंगे, तो उसके बिना ही हो जाएगा हमारा। आपका काम है सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को सिंपल वे में लिख दो। मैंने देख लिया इसमें चारों चीजें हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्यों ना मैं पहले फॉर्मेट ही लिख दूं। तो मैंने यहाँ लिखा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 70,000। मुझे पता है इसमें से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लेस करते हैं, फिगर बच्चों भी बाद में फिल कर दूंगा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करते हैं। सिमिलरली आपका क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस हम लेस करते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की इनकम होती है, और ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस को ऐड करते हैं। तो अभी हमने यहाँ क्वेश्चन में किया बच्चों, हमें सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला है 70,000। एक बार ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखो कितना है, 5, उसमें से 4,000 मिले हैं, तो यहाँ बच्चों 4,000 लेस होंगे, तो ये 66 रह गया। क्लोजिंग में आपके आउटस्टैंडिंग हैं कितने, मैं कहूंगा 3,900, उसमें से 1,000 तो पुराने हैं, तो खाली 1920 के कितने हैं, 2,900 ऐड कर देंगे बच्चों। इसी तरह से क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस वो लेस होते हैं बच्चों 4,500, ये हमारा बच गया 64,400। और बच्चों आपका ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस कितना था, हम कहेंगे 3,000, उसको ऐड करो तो ये आ गया 67,400। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अब देखो एक बार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 22। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 1920। तो इन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखा है 60,000, आउटस्टैंडिंग शुरू का है 16, एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है 9। जब ये 31 मार्च लिखता है तो ये टोटल होता है। सिमिलरली रिसीव्ड इन एडवांस शुरू का कितना है बच्चों 12,000, एंड का कितना है 7,000। जैसे अभी हमने फॉर्मेट बना के किया था ना वैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं सब्सक्रिप्शन ऑफ 6,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 1819, तो अगर आपका 16,000 आउटस्टैंडिंग था उसमें से 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो उसके कितने मिले होंगे 10, 6 रहते होंगे, वो 6 इस 9 में इंक्लूड है, तो खाली इस बार के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, मतलब 18-19 का आपको मिला है 10, और 19-20 का आउटस्टैंडिंग है बच्चों आपका 3,000, टोटल 9,000 है। आपसे सिर्फ पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा, इसलिए मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा ताकि इजली हो बच्चों। आसान करने के लिए बेटर वे क्या है, पहले आप पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख देंगे, फिर उसके बाद आप उसमें फिगर फिल करेंगे। तो हमने यहां लिखा तो हमने बच्चों यहां पहले लिखा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हमें टोटल मिला है, जो कि इन्होंने दे रखा है 60,000। इसमें बच्चों हम लेस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इसमें हम ऐड करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसके बाद बच्चों इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस से रिलेटेड कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, और लेस क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमें ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे कितना रखा है 31 मार्च को 16, उसमें से वो कह रहे हैं 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो हम कहेंगे अच्छा 16 में से 6 अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो इस बार मिले होंगे 10। क्लोजिंग में आपके बच्चों 31 मार्च को जो होते हैं वो टोटल आउटस्टैंडिंग 9,000 है, उसमें से 6 तो पुराने हो गए, तो खाली 1920 के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो हम कहेंगे वो तो 3,000 हुए। फिर इसके बाद बच्चों आपका ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, हम कहेंगे 12,000 ऐड कर दो,
क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस 7,000 लेस कर दो तो 58,000। ये बच्चों आ गया हमारा आंसर। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, ये हमने बना दिया। अब देखो बच्चों एक बार 23, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कि आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन दे रखा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि उसने उसी का ट्रीटमेंट पूछना है। एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड शो एज हाउ दे वुड अपियर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट। तो बच्चों हमें दोनों जगह शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी, बैलेंस शीट में भी। सब्सक्रिप्शन टोटल मिला कितना है 42,000, पिछले साल का कितना मिला है 7,000, करंट ईयर का 30, फ्यूचर ईयर के लिए 5,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शुरू में था कितना बच्चों, हम कहेंगे 8,500, उसमें से मिला कितना है 7,000, अभी भी कितना रहता है 1,500। और आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को कितना है 18,500, उसमें से बच्चों 1,500 तो पुराना हो गया, तो खाली इस बार का कितना हुआ, हम कहेंगे 17,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस शुरू में कितना था 4,000। तो हम सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट बना देते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट हो। इसने बच्चों हमें बता रखा है शुरू का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,500, उसमें से 7,000 मिल गए हैं, 1,500 रहते हैं, क्लोजिंग में वो दिखा लेंगे। शुरू का रिसीव्ड इन एडवांस बच्चों 4,000 ये दे रखा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस। अब आ जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपको ना शुरू का 8,500 दे रखा है, उसमें से वो बता रहा है कि 7,000 मिले हैं, तो 1,500 तो पुराने ही रहते हैं। और आपका टोटल कितना रहता है, जो 31 मार्च को बता रखा होता है ना, वो टोटल होता है 18,500। तो खाली करंट ईयर का कितना हुआ 17,000। और आपको रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है बच्चों, आगे के लिए हमें एडवांस मिला है 5,000। तो हमने यहाँ लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले फॉर्मेट लिखेंगे, हमने यहाँ लिखा बच्चों बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग टोटल कितना मिला है 42,000। हमने अब बच्चों करना क्या होता है, हम कहेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड। इसके अलावा बच्चों हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस लेस करेंगे। तो हमने यहाँ बच्चों सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखा है तो 8,500, उसमें से अभी 7,000 रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ 7,000 लेस होगा। और इस बार का आउटस्टैंडिंग है कितना खाली 1920 का, हम कहेंगे 17,000 एड। ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 और जो क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है वो 5,000 है, तो बच्चों 51,000। ये हमारा आंसर मैच कर रहा है, ऐसे करना है बच्चों। अब एक बार देखो बच्चों 24, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोस। तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, ये फ्यूचर ईयर, बच्चों 3,50। अब ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शुरू में 35,000 था, उसमें से 5,000 रिकवरेबल नहीं है। ऑन द सेम डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 वर 20,000। मतलब जो आपका सब्सक्रिप्शन शुरू में आउटस्टैंडिंग है उसमें से 20 तो मिल गए हैं,
5,000 मिलने ही नहीं है तो बाकी 10,000 सिर्फ आपकी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो बच्चों सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, जब ये यूं देते हैं ना 31 मार्च को कि 60,000, इस 60,000 में से कितने तो हमारे पुराने वाले हैं, हम कहेंगे देखो शुरू में आउटस्टैंडिंग 35 थे, उसमें से 20 मिल गए, 5 मिलने नहीं है तो 10 रहते हैं। तो इस 60,000 में 10,000 तो बच्चों हो गए पुराने वाले, तो खाली इस बार के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 50,000। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूछा है कि आप सब्सक्रिप्शन कितना शो करेंगे, तो बच्चों मैं बताता हूं, हम लोग ना क्वेश्चन में पहले अपना फॉर्मेट सेट कर लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमने अभी टोटल किया है बच्चों 3,50,000, ये दे रखा बच्चों हमें। अब एक बार पहले आप इंफॉर्मेशन को सिंपल करके लिख लो, तो हमने यहां लिखा बच्चों लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो सिर्फ आपका 1920 का है, इसके बाद बच्चों ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, और लेस करेंगे क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस। पहले तो इवन आप ये फॉर्मेट देखो, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो वो बताओ पहले। तो अब देखो बच्चों हमने करना क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें बच्चों रिसीव्ड कितना हुआ हुआ है, हम कहेंगे 20,000, तो इस 20,000 को हम लेस कर देंगे, ये रह गया 330। ये पहले आप बच्चों देखो 20,000 समझ आया या नहीं। अब आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कितना, मैं कहूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो तो 50,000 रुपए है, क्यों है 60, 10 पुराना है। आप कहेंगे सर वो तो 15 नहीं बचता, नहीं बच्चों 5,000 तो मिलना ही नहीं है, तो वो हमने थोड़ा दिखा रखा होगा, वो तो बैड डेट मानकर डेबिट में लिख देंगे हम लोग, वो तो लास्ट ईयर के अब आपके 10 रहते हैं जो आपने बैलेंस शीट में दिखा रखे, और टोटल 60 दिखा रखे हैं, तो खाली करंट ईयर का कितना हो गया, तो आप कहोगे खाली करंट ईयर का 50,000, ऐड कर दो बच्चों। अब एक बार आप रिसीव्ड इन एडवांस देखो, इन्होंने आपको शुरू का रिसीव्ड इन एडवांस कितना बता रखा है, ये रहा बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4, हमारा ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है 20,000 और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, तो हम यहां कहेंगे ओपनिंग वाला तो ऐड होगा और क्लोजिंग वाला लेस, बैड डेट अगर हमें दिखाने हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, यहां उनका कोई लिंक नहीं। तो आपको मेनली फॉर्मेट लर्न करना है। अब देखो बच्चों एक बार 25, ये सब्सक्रिप्शन का ना हमारा लास्ट है, इसके साथ सब्सक्रिप्शन का टॉपिक ओवर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में कहता है हाउ आर द गिवन आइटम डील्ड विद व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो इन्होंने बच्चों आपको शुरू का आउटस्टैंडिंग एडवांस दे रखा है, एंड का आउटस्टैंडिंग एडवांस दे रखा है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है 46। इन्होंने ना हमें से पूछा है हाउ आर द गिवन आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब, तो हम तीनों चीजें बनाए थे। तो बच्चों सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग एज एट 1 अप्रैल 2019, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और उसके बाद बना देंगे बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने यहां लिखा बच्चों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 92,000, रिसीव्ड इन एडवांस है 60,000। सिमिलरली एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,26,000 और रिसीव्ड इन एडवांस 80,000।
अब बच्चों हमने यहाँ बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले हमेशा फॉर्मेट लिख लेंगे जब आपको पता है चारों चीजें हैं, ताकि उसके बाद अमाउंट फिल करके जल्दी हो जाता है। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बच्चों हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखा है 6,40,000। अब हम लिख देते हैं लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करो। इसके बाद ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस ऐड और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस लेस। हमने बच्चों यहां सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 92,000 लेस कर दिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,26,000 ऐड उसके बाद बच्चों ओपनिंग एडवांस 60,000 ऐड और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस 80,000 लेस, तो ये आपका आ गया 6,54,000। देखो बच्चों आंसर ये रहा, ऐसे करना है हमें। तो अभी मैं आज आपको 25 तक ही करा रहा हूँ।